नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पांच ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूं जो सोलर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सोलर सेक्टर देश का एक नया उभरता हुआ बिजनेस है। आप इस सेक्टर से जुड़कर आप भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेचने का बिजनेस करें, इससे और भी नए बिजनेस आप कर सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ सोलर बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जिनको आप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सोलर प्रोडक्ट बेचकर आप 1,00,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही सोलर प्लांट लगाने को कह रहे हैं। यहां तक कि कई राज्यों में तो ये प्लांट लगाना अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि सोलर प्लांट को बेचने का काम शुरू किया जाए। आप इस बिजनेस को 4 से 5 लाख रुपए में आराम से कर सकते हैं। अच्छा स्कोप देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ कई बैंकों की शाखाएं आपको आसानी से लोन दे सकती हैं। अनुमान है कि आप 30,000 से 1,00,000 रुपए तक का प्रॉफिट मुनाफा आराम से इस बिजनेस से कमा सकते हैं। दोस्तों, आप इन प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किन प्रोडक्ट का? आपने देखा होगा कि सोलर पैनल के अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रहे हैं जो सोलर से चलते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं। यहां तक कि देसी कंपनियों ने भी सोलर मोबाइल चार्जर, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंप्स, सोलर लाइट्स बनाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट जैसे वाटर हीटर, पंप्स, केंद्र व राज्य सरकार दोनों सब्सिडी दे रही हैं। तो ऐसे में आप इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में आपको मात्र 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब आप ये सोच रहे हैं, भाई हमारे पास तो 1-2 लाख रुपया भी नहीं है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, इस बिजनेस के लिए बैंक में अच्छी खासी लोन की सुविधा भी है। एक बार अगर आपका ये बिजनेस चल गया तो दोस्तों, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप महीने के 30 से 40 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, आप मेंटेनेंस और क्लीनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल की जितनी अच्छी सफाई होगी, प्रोडक्शन भी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए आप क्लीनिंग सेंटर खोलकर सोलर पैनल के मालिकों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा आप मेंटेनेंस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पैनल की मेंटेनेंस के साथ साथ सोलर प्रोडक्ट्स एवं इन्वर्टर की रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस का काम भी किया जा सकता है। इस बिजनेस में खर्चा भी कम आता है। आप ये बिजनेस 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और रही कमाई की बात, तो मैं समझता हूं दोस्तों कि 15 से 20 हजार रुपए महीना आप आराम से कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बिजनेस बढ़ने पर आप स्टाफ भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप फाइनेंस कंसल्टेंट बनकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोलर प्रोडक्ट लगाने वाले लोगों को फाइनेंस कंसल्टेंट के तौर पर भी सर्विस दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियां इस सोलर प्रोडक्ट को लगाने के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन दोस्तों, इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती। आप आम लोगों तक ये जानकारियां इकट्ठा करके उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संपर्क करके प्रोड्यूसर के बीच की कड़ी भी बन सकते हैं। इसके लिए आप एक तय शुल्क ले सकते हैं, एक ऑफिस की जरूरत होगी, लोकेशन के हिसाब से हो सकता है कि आपके 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप महीने के 30 से 50 हजार रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, आप सोलर कंसल्टेंट के तौर पर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि कंसल्टेंट का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको किसी कंसल्टेंट से अनुभव लेना बहुत ही जरूरी है। सोलर बिजनेस की टेक्निकल नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग सोलर प्लांट लगाने से पहले अपना फायदा और नुकसान के बारे में आपसे पूछते हैं। और सोलर बिजनेस की टेक्निकल नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग सोलर प्लांट लगाने से पहले अपने नफे और फायदे का पता लगाना चाहते हैं। ऐसे में आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए आपको साइट पे जाके स्टडी करनी पड़ेगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक ऑफिस,
वेबसाइट जैसी चीजों का होना बहुत जरूरी है। आप अपना ऑफिस किराए पे भी ले सकते हैं। ऐसे में आपका 1-2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन कंसल्टेंट के तौर पर आप महीने के 50,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसा ही और नए प्लानिंग के साथ मनीष अग्रवाल जी फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।